शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। नई किताब नए पाठ लेकर आया हूँ, नया है दौर नए ठाठ लेकर आया हूँ। कसम खुदा की तुम्हारे लिए ही ऐ वोटर, तमाम वादों की फिर लाट लेकर आया हूँ। वोट लेना है तो 1,00,000 लुटा देते हैं, वोट लेना है तो 1,00,000 लुटा देते हैं। दौड़ कर खुद ही गले सबको लगा लेते हैं, कोई दर छोड़ भी देता है भिखारी, लेकिन मेरे नेता तो हर एक दर पे सदा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में बना चुनावी बिगुल। पार्टी प्रत्याशी करने लगे मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील। अब जो 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, या यूं कहें कि 2024 में होने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, उसका ये सेमीफाइनल है, तो उस पर क्या कहेंगे, सुनते हैं रंदा। मैना संभलो के फिर से शिकारी आए हैं, देखो घर घर में वोटों के पुजारी आए हैं। लोक गीतकार फारूक सरल की उक्त काव्य पंक्तियों को साकार करते हुए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी न सिर्फ आपकी वोट लेने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देंगे, बल्कि चुनाव के हैं चार निशान, पूरी पुड़िया फौज प्रणाम को भी अमली जमा पहनाते हुए पहिया पैलोटी इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ की तरह करेंगे। माना तुम्हें दुख दर्द दिया साढ़ की तरह, माना तुम्हें दुख दर्द दिया साढ़ की तरह, अब बना हूँ गाय मुझे देख लीजिए। दाग लगे कपड़ों को धोबी हले गया, गांधी वाला खद्दर अब बेदाग देखिए। कहता है रंदा आपसे, जो नजरे शरीफ हो उसकी झोली में मत अपना दान कीजिए। जो प्रत्याशी अपने माँ बाप के पैर छूने में अपना अपमान समझते थे, वो अब वोट लेने के लिए रंदा सरीखे गरीब मतदाताओं के चरण चुंबन कर मान मनोवल कर रहे हैं। जो महिला प्रत्याशी हैं, वो भले ही कभी घर की देरी न लांघी हो, तो वो विधायक पद का टिकट लेकर घोषित अघोषित देवरों के साथ वोट मांग रही। रंदा, ऐसी महिला प्रत्याशियों के सम्मान में आलखंड की ये पंक्ति सुना रहा है, जिन मेहरी देहरी ना देखी वो घूमर फिरे देवरों साथ। रंदा, चुनावी जंग में उतरे प्रत्याशियों के सम्मान में शायर महफूज रहमानी के दो मुक्तक पेश करता है। वोट लेना है तो 1,00,000 लुटा देते हैं, वोट लेना है तो 1,00,000 लुटा देते हैं। दौड़ कर खुद ही गले सबको लगा लेते हैं, कोई दर छोड़ भी देता है भिखारी, लेकिन मेरे नेता तो हर एक दर पे सदा देते हैं। नई किताब नए पाठ लेकर आया हूँ, नया है दौर नए ठाठ लेकर आया हूँ। कसम खुदा की तुम्हारे लिए ही ऐ वोटर, तमाम वादों की फिर लाट लेकर आया हूँ। रंदा ने 5 चुनावी राज्यों के मतदाताओं से अपील की है कि वो अच्छे ईमानदार शिक्षित प्रत्याशी को अपना वोट दें, ताकि बाद में न का ये काव्य पंक्तियों के भावार्थ की तरह पछताना पड़े। अरे भाइयों कुछ तो तुम चाहते हो, भाइयों कुछ तो तुम चाहते हो, चेतावे तुमका को आई, वोट की कीमत ना जनी हो तो वाटा तुमका फिर जाई, वोट की कीमत ना जनी हो तो वाटा तुमका फिर जाई, भाइयों कुछ तो तुम चेतो चेतावे तुमका को आई। भाइयों कुछ तो तुम चेतो चेतावे तुमका को आई, बिल्कुल सही रंदा ने कहा कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने का बिगुल बज चुका है, अब जो है सिर्फ उनके 4 चिन्ह होते हैं, यानी कि पूड़ी, पुड़िया, पाउच और प्रणाम, ये 4 हैं।
तो ये बस नेता बांटते रहेंगे, वोटर को जो है मतलब से लेते रहेंगे। लेकिन मतदाता अब जागो और सिर्फ जागो, मतलब कि अब सिर्फ आपको वोट देना है। तो जो आपका जो प्रत्याशी हो, शिक्षित हो, ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, आप उसे वोट करें। किसी भी ऐसे भ्रष्ट को मत वोट करें जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। फिलहाल अगली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां स्वास्थ्य निदेशक को जिला अस्पताल सीतापुर में एक बेड पर भर्ती मिले दो दो मरीज। तो भर्ती मिले हैं एक बेड पर दो मरीज, ये भी क्या बात है, कभी कभी तो तीन होते हैं लेकिन फिर भी दो मिले हैं। रंदा क्या कहता है सुनते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में बेड नहीं बढ़ाए तो एक बेड पर दो दो तीन तीन मरीज भर्ती तो मिलेंगे ही। अस्पताल की दशा इस कहावत की तरह है, बराती सौ और खटिया नौ। बेचारे मरीज उसी तरह दो दो एक बेड पर लेट कर इलाज करा रहे हैं जैसे एक छतरी के नीचे दो लोग बारिश से बचने का प्रयास इस फिल्मी नगमा के तर्ज पर करते हैं। एक छतरी और हम हैं दो, फिर क्या हो, भीगन दे जरा भीगन दे। इस जिला अस्पताल का निरीक्षण मात्र से ही बेड सहित सारी व्यवस्थाएं ललन टाप हो जाती तो सभी रोज निरीक्षण करिए। आपके निरीक्षण से रंदा को कोई लेना देना भी नहीं, वो चाहता है कि मरीजों के हित में अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। जब अपने निरीक्षण के बाद भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं सुधार सके। प्रदेश शासन के कई मंत्रियों ने भी यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था, कई खामियां पाई थी लेकिन वो भी उसे नहीं सुधरवा पाए। अब स्वास्थ्य निदेशक लखनऊ आर गणपति राजा तथा अतिरिक्त निदेशक लखनऊ मंडल डॉक्टर सुनील भारती ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्हें यहाँ सिर्फ एक एक बेड पर दो दो मरीज भर्ती दिखाई दिए। उन्हें अस्पताल में जितने विगत वर्षों में यहाँ डॉक्टरों की तैनाती थी उसकी आधी संख्या में यहाँ डॉक्टरों की तैनाती नहीं है वो दिखाई नहीं पड़ा। पैरा मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, दिखाई नहीं पड़ा। हृदय रोग विशेषज्ञ तक जिला अस्पताल में वर्षों से नहीं है, दिखाई नहीं पड़ा। अस्पताल में अनेक दवाओं की कमी है, डेंगू रोग इस समय काफ़ी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। यहाँ प्लेटलेट्स निकालने वाली मशीन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य निदेशक महोदय पहले इसका इंतजाम करा लेते फिर जिला अस्पताल का निरीक्षण करते तो रंदा सरीखे मरीजों को भी अच्छा लगता। यहाँ निरीक्षण की सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जिसे देखो वो जिला अस्पताल को निरीक्षण के नाम पर पिकनिक स्पॉट की तरह घूमने आ रहा है। निदेशक महोदय आप सभी जमैयतपुर में बने ट्रामा सेंटर को भी नहीं चालू करा सके हैं और ना ही सेलूमो में बने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर कंपाउंडर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करा सके हैं। पहले इसे कराइए जिससे क्षेत्रीय मरीज आपको दुआ देंगे, जो बेचारे झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा कर अपना धन स्वास्थ्य गंवा रहे। बिल्कुल सही कहा रंदा ने कि जिस तरह से जब भी कोई चेकिंग करता यानी कि निरीक्षण करता तो जिला अस्पताल का निरीक्षण करता है और सिर्फ उन्हें जो है एक बेड पर दो मरीज ही देखने को मिलते हैं। लेकिन रंदा ने कहा है कि निरीक्षण करिए, खूब निरीक्षण करिए, लेकिन जिस तरह से सीतापुर जिला अस्पताल में बेड के अलावा जो है कई समस्याएं, ना ही यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ है, ना ही यहाँ पर हृदय रोगी को चिकित्सक है, जो स्टाफ डॉक्टर चिकित्सक बचे हैं वो भी कितनी संख्या कम हो गई। तो फिलहाल इलाज नहीं है, दवाओं की कमी है। जिस तरह से डेंगू जो है लगातार चपेट में लोगों को ले रहा है फिर भी इलाज शून्य है और जो है वहाँ पर जो है किसी भी तरीके के जैसे प्लेटलेट निकालने वाली मशीन जो है वो भी नहीं है, तो कोई भी जो व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आपको क्या यही कमी दिखी है कि एक बेड पर दो लोग मरीजों का इलाज चल रहा है, तो इलाज चल रहा है ठीक है लेकिन इलाज चलाने के लिए भी आपके पास उपकरण होने चाहिए, वो नहीं है। सीतापुर जिला अस्पताल वाकई कई वर्षों से जो है एक बाट जो रहा है उसका निदान अभी तक नहीं हुआ है, ना ही जिला अस्पताल में किसी तरह की कोई सुविधाएं हैं, बल्कि राजधानी से महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वहीं ही नहीं आप सीतापुर के अस्पताल जो जिला अस्पताल है यहीं से 10 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत जो है एक जमैयतपुर में ट्रामा सेंटर भी बनवाया गया है जो अभी तक चालू नहीं हो सका। अगर वो चालू हो जाए तो यकीनन
कहीं ना कहीं जो यहाँ के मरीज लखनऊ जाते ट्रामा जाते जाते जो उनका देहांत हो जाता है, जो स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो बच जाएंगे क्योंकि उन्हें समय पर एक इलाज मिल सकेगा। फिलहाल देखिए क्या होता है, चलते हैं आपको अगली खबर पर ले चलते हैं, जहां लद्दाख कारगिल के LAHDC चुनाव में इंडिया गठबंधन की भारी जीत, 2 सीटों पर सिमटी भाजपा, कांग्रेस को 10 तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली 12 सीट, 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया कब्जा। अब इंडिया गठबंधन की जो जीत है वो काफ़ी भयंकर जीत है क्योंकि शुरुआत ही जो उसका हो गया है वो एक अलग हो गया है। अब इस पर क्या कहेगा सुनते हैं रंगा। भाजपा प्रत्याशियों की इतनी बुरी हार देखकर रंदा सिर्फ उनके सम्मान में मरहूम कवि श्री नारायण अग्निहोत्री सनकी जी की एक काव्य पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा है। खूब चुनाव लड़े सरवो, खूब पैसा बहायो सरवो, हो गए जमाना जब्त अब बैठ रहो सरवो। लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा व उनकी मोहब्बत की दुकान पर अब भाजपा वो दुकान भाजपा पर भारी पड़ रही है। इंडिया गठबंधन में जहां लद्दाख कारगिल के पर्वतीय विकास कारपोरेशन के चुनाव में 26 सीटों में कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर यहां 22 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया, वहीं भाजपा मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये उनकी पहली जीत है। भाजपा के लिए सिर बुड़ाते ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। लद्दाख कारगिल में हुए LAHDC के चुनाव में जिस तरह सुपड़ा साफ हुआ है वो भाजपा के माथे पर सिकट डालने वाला नतीजा है। वहीं महाराष्ट्र में संपन्न हुए 6 बाजार समितियों के चुनाव में महाराष्ट्र आघाड़ी गठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन ने 6 में से 5 पर अपना जीत का परचम फहरा दिया है। 5 राज्यों के संपन्न होने जा रहे विधानसभा चुनाव में यहाँ सोशल मीडिया तथा राजनीतिक विश्लेषक व विभिन्न चुनाव सर्वे में भाजपा को कांग्रेस से फिसड्डी बताया जा रहा है, तो वहीं गोदी मीडिया भाजपा प्रत्याशियों व भाजपा नेताओं को ढांढस बंधाने एवं मतदाताओं को गुमराह करने वास्ते उनके मन मुताबिक आंकड़े पेश कर जमानी जमा खर्च की तरह जीत दिखा रहा है। 5 राज्यों के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, तब तक चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा अभी से कहना जल्दबाजी। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जो ये पहली जीत है इससे जो है गठबंधन में जो है काफ़ी खुशी की लहर है क्योंकि उन्होंने भाजपा को जो है 2 सीट तक ही सीमित कर दिया। फिलहाल कैसा लगा आज का कार्यक्रम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट के माध्यम से दें, और हाँ अगर अभी तक आपने आइंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर आइंडिया लिखें और उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें, फिर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। सुझाव के साथ साथ कोई कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई खबर लगती हो, महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अगर आपको भी कोई महत्वपूर्ण खबर लगती हो कि हाँ ये खबर है, क्योंकि पत्रकारिता का असली काम जनता की समस्या को उजागर करना ही है, अगर आपको कोई भी समस्या लगती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और उम्मीद है कि हम आपकी उन समस्याओं को अपने आइडिया चैनल पर दिखाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, आपके साथ अधिकारियों तक भी आपकी बात को पहुंचाने का काम आइडिया करेगा। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।